तो गाइस वेलकम टू द फाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप गेमिंग सीरीज इन क्रिकेट 22 जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आया भाई फाइनल में। व्हाट अ कोइंसिडेंस, खतरनाक पहला मैच अपना यही हुआ था, लास्ट मैच भी यही हो रहा है भाई, क्या ही बेहतरीन होने वाला है। और दोनों टीम्स की लाइनअप तुम देख सकते हो, यही है मेरी प्रिडिक्टेड लाइनअप पूरे टूर्नामेंट के लिए। एक दो चेंजेस तो होते रहेंगे दोनों टीम्स की, तुम्हारी क्या प्रिडिक्टेड तुम बताओ यार। बाकी चलते हैं सीधा टॉस पे एंड हैड टू द कॉल बाय रोहित शर्मा, देखते हैं क्या होता है भाई। इंडिया पाकिस्तान वो भी मेलबर्न पे, वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल, और क्या चाहिए भाई। टॉस भी जीत गए हैं रोहित भाई, ऑल द फाइनल का प्रेशर, लेकिन हम बॉलिंग करने जाएंगे क्योंकि लास्ट मैच में हमने ऑल आउट किया था तो अपनी बॉलिंग काफी बढ़िया थी, देखते हैं आज क्या होता है। चलो गाइस फर्स्ट बॉल स्टैंडर्ड बॉल, फिर से वही रिजवान के सामने भूई भाई, देखते हैं क्या होता है यार। पहली बॉल पे ही गेट्स ऑफ द मार्क और ये सिंगल मिलेगा इजी। मैंने वो कट्सिन स्किप कर दिया, बोला छोड़ो यार आज एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है यार, दिख ही रही होगी तुमको। अरे छक्का मार दी क्या, ये क्या हुआ है पहली बॉल पे। हेलो ये क्या शुरुआत थी मेरे भाई, ये देखना, एक मिनट अबे जल्दी करो भाई, ये क्या था भूई भाई। मुझे लगा डायरेक्ट हिट ही थी, उनका पैर लग गया सीधा घुटने में लगी और बॉल ऐसे एकदम। अभी ये ऐसे सिक्स चला था तो क्या करता मैं, कोई नहीं। शमी भाई स्लिप में गया, रुको चेंज करता हूँ। अरे भाई ये क्या है, ये ऐसी कैसी है जे भाई, कतई जहर। बाबर आजम ने एज से चौके के साथ शुरू किया, एज के चौके के साथ। अरे भाई बाउंस कैरी, क्या ही बीट किया है अर्शदीप पाजी ने, बहुत बढ़िया भाई। अबे यार मिड विकेट पे चौका, तुम बोलोगे भाई दो स्लिप क्यों, पूरे वर्ल्ड कप तो उन्होंने रखी, उसका राज है ये कि किसी ने कमेंट किया था भाई तू हर बार वो ऐसा रख के जो पीछे चौका मार रहा था ना फुल बॉल को भी ऐसे थर्ड मैन की तरफ, मतलब बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, तो वो बचाने के लिए मैंने एक सेकंड स्लिप और फोर्थ स्लिप ली है स्क्वायर लेग हटा के, क्योंकि मैंने बोला था ट्राई करूंगा मैं, किसका कमेंट मुझे अच्छे से याद नहीं लेकिन मैंने रिप्लाई भी किया था उस पर, तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ बच जाए। बट इनको कैसे भी रन मारने, तुमने देख लिया ना कैसे भी इनको रन मारने, मतलब मारेंगे ही चाहे तुमको जो करना कर लो। शमी भाई शॉट मिड विकेट पे कैसे आए और क्या छूट गया। अरे यार ये इतना टफ था भाई और इतना कम टाइम मिला ऊपर से, शमी भाई कैसे आए यार, मैंने क्या यार क्या चारे। देखो नेक्स्ट बॉल पे ही शमी भाई को रिप्लेस करके पंड्या भाई को लगाया और सीधा हाथ में कैच। क्या भाई ज्यादा महंगा नहीं पड़ा, मैं बोलने वाला था याद रखना रिजवान वॉज ड्रॉप्ड, बट बहुत अच्छा कैच। और ये देखो भाई ये एक्स्ट्रा ओपनर के साथ आए हैं फकर जमान, मैं इनको काफी हाई रेट करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ इनको ओपनिंग करना चाहिए बाबर आजम वन डाउन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट तो ठीक है यार मैंने देख के ऐसे ही खिला लिया। अबे यार ये तो फ्री रन था भाई, थोड़ी लेग साइड हो गई, स्विंग हल्की सी ज्यादा हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था चौका भाई स्क्वायर पे। अबे लेट्स गो भाई, बाबर आजम भी आउट, तीन ओवर में दोनों ओपनर्स आउट और दोनों इनके जो इन फॉर्म हमेशा रहते हैं वो दोनों बैट्समैन आउट हो चुके हैं भाई, और एक्स्ट्रा स्लिप रखने का फायदा हो गया। थैंक यू भाई जिसने भी कमेंट किया था, वो शॉट मतलब स्लिप के डर से वो शॉट भी नहीं खेल रहे लोग, तो उसके रन्स बच रहे हैं और फोर्थ स्लिप पे कैच भी आ गया जो मैं कभी रखता नहीं। थैंक यू भाई, काम आ गया तुम्हारा कमेंट, लेट्स गो बाबर आजम, ठीक है भाई कोई नहीं। अरे शमी भाई क्या ही बीट किया है, लेट्स गो। तो गाइस एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों इंस्टाग्राम्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में फटाक से, और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो यार ऐसे मत करो, और पूरी वीडियो देखने का देख कमेंट कर देना, आउट ऑफ 7 मैच को रेट कर देना, देख लो भाई मैं कमेंट पढ़ता हूँ। सजेशन लेके मैंने वो स्लिप रख के विकेट ली है तो यार ऐसे भी अच्छा लगेगा, थैंक्स अ लॉट कमेंट करने के लिए, ऐसे ही करते रहो। और शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, बॉल ऑफ द डे भी कर सकते हो, आउट ऑफ 7 ऐसे रेट करना मैच कितना क्लोज था उस हिसाब से, इनके पास बहुत बैटिंग लाइनअप है। और एक और डायलॉग मैं फिर से बोलूँगा, एक और बात जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में भी किया था अपने सीरीज की, कि भाई नो हेट कोई भी, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान, क्योंकि मैं हार भी सकता हूँ मैं जीत भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है गेम है, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि गेम में जीत सकते हो या तुम ही गेम में जीत सकते हो, मतलब दोनों की तरफ से कोई नहीं बोलना चाहिए ऐसे, नहीं यार टॉक्सिसिटी बंद करो भाई। ये देखो चौका खा लिया मैंने, है ना हैदर भाई, व्हाट इज दिस, हैदर अली का मैंने बहुत नाम सुना है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, देखते हैं। अबे यार अब लेकिन यहाँ मार रहे हैं ना, बट वही अब कोई नहीं, वहाँ बचा रहा हूँ तो यहाँ खा सकते, लेकिन वहाँ फ़ायदा हुआ ना विकेट मिली भाई। अरे स्टंप लग जा भाई, मेरे नसीब के हिसाब से ना मैं 25 बार इस पर स्टंप पे लग के आउट होता, 25 में से 25 बार रन आउट करते, ये अच्छा हो गया। और शायद हैदर अली का विकेट मिल गया भाई साहब, मतलब विकेट मिलना था तो मिल गया है, मैं तुमको दिखा रहा था ये, अबे हुआ ही नहीं अभी तक, ठीक है लेट्स गो हैदर अली। यार मेरे को बैटिंग देखनी थी इनकी, चलो कोई नहीं रियल में देख लेंगे। ये क्या दिखा रही है भाई गेम, मैंने रिप्ले किया था, अच्छा गेम खुद से दिखा रही है भाई, इंपैक्ट बैट ये क्या होता है, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी, शेप देखा तुमने, इफ्तिकार अहमद और खुशदिल शाह में बहुत कंफ्यूज था इसलिए मैंने फिर इफ्तिकार अहमद को खिलाया, और खुशदिल शाह को मैंने 12th मैन रखा था, तुमको पता है मेरे 12th मैन वही होते हैं जो मेरी टीम में खेलने के सबसे क्लोज होते हैं, मैं पक्का आउट होता इसमें। शॉट भाई ये तो चौका डिजर्व करता है, बहुत अच्छा शॉट था यार, 5 ओवर गया 38 पे 3, सही स्टार्ट है वैसे अपने लिए तो। अरे ये शॉट खेला और ये कहाँ गई उड़ के,
वो कर लिया भाई साहब, यूनिक विकेट आउट है ना। अक्षर पटेल को मैंने पॉइंट पे लगा था, जड्डू भाई को अब रिप्लेस कर रहे हैं तो पूरी तरह करो, पॉइंट पे भी करो फिर है। फील्डिंग बहुत बढ़िया कैच भाई, एकदम सही टाइम पे डाइव करके। वैसे कैच से कोहली भाई का वार्म अप वाला कैच याद है तुमको, देखा था किसी ने? ये क्या था भाई, वेरी रियलिस्टिक भाई। चार विकेट प्रॉब्लम है, शमी भाई तो आग लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, लेट्स गो। लास्ट मैच में पहली विकेट भी उन्होंने ली थी, आखिरी भी उन्होंने ली थी। सेमीफाइनल नहीं देखा जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट है भाई। बगर जवान आउट, अरे यार ओ नियरली कैरेड भाई, क्या हो रहा है इनके साथ। आसिफ अली भाई सही है, 150 बोल्ड कैसे नहीं हुआ यार, क्या ओवर डाला, मेडन विकेट भाई पावर प्ले का लास्ट ओवर। शमी भाई ओपी कर दो यार एक बार, जर्सी नंबर क्यों क्लोज से दिखा रहा है कि मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे बता रहे हो। कैच और यार कैच ड्रॉप, लेकिन नाइस ट्राई यार, जो भी था भाई यार कैच था भी, और इफ्तिकार को बॉल लग गई। ये देखो भाई प्रॉपर, अरे थोड़ा सा आगे गिर गई, ओके कैच नहीं तो चौका बचा। अक्षर भाई है भाई, बापू हर जगह चल रहे हैं भाई। आसिफ अली यार हार्ड हिटर, इनकी पहचान ही ऐसी है, निकल के मार दिया। पूरा ओवर अच्छा था, एक रन आया था, 7 रन का ओवर, 7th ओवर, 7 ओवर के बाद 45/4। अबे यार इफ्तिकार बड़े इस बार आगे, और एक और चौका, ये गूगली पे ही मार रहे हैं, मैंने देख लिया। 9 ओवर में 60 रन 4 विकेट, सही है स्टिल। अबे ये चौका है, ओ मेरे को लगा कट ऑफ कर लेगा अपने प्लेयर, नहीं नाइस स्वीप यार फिर तो। कैच, और यार मैंने लेग स्लिप भी रखी है, बता यही हो रहा है इनके साथ इसके लिए। भाई साहब T20 में टेस्ट की फील्ड लगा रहा हूँ मैं। अबे यार आसिफ अली भाई थोड़ा रुक जाया करो, वैसे इतने दिन रुके हुए हैं, कोई नहीं। 20 रन मारे उन्होंने 19 बॉल में, सही है इनिंग बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये तो चौका है यार, ये कनेक्ट हो गए वैसे ही पता चल गया चौका है, अच्छा शॉट था ये। कैच इट, अरे पहुंच गया भाई पंड्या भाई, कितना ग्राउंड कवर करके आया, और इजी कैच। आसिफ अली ऑल्सो गॉन भाई, एक और थ्रेट आउट हो चुके हैं। और ये देखो विकेट अक्षर इकोनॉमिकल पटेल की, अरे क्या बन रहा है, मतलब इकोनॉमिकल बोलिंग कही लास्ट दो मैच से, लास्ट मैच में फाइव पर लिया था, व्हाट इज दिस गाइस, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, उनकी इकोनॉमी अभी भी देखना। तो आसिफ अली गॉन, ये चौका है भाई इफ्तिकार, क्या ही टाइम किया है यार। अबे ये क्या शॉट है, सही, अरे पकड़ लो ना डीके भाई, सा बन जाने का ऐसे तो घुस जाने का, कर लेने कैच। ये क्या है, अरे इधर ही खेल ले, हाँ घर बना ले उधर, एक और चौका, मतलब यार इधर ही खेले जा रही है यार, क्या ही गड़बड़ है। अबे यार स्लोअर, ये वाइड कैसे चल गई, 92 हो गया, नाइस। अबे चौका है क्या ये, अरे यार मेरे को लगा फील्डर के सीधा सामने ही खेला है, नाइस फील्डिंग अर्षदीप भाई ओपे। ये भी चौका है, अरे यार अब ले लूँ क्या स्क्वायर लेग डीपर है, 15th ओवर है, ले लेते यार यहाँ से, मैं 150-180 खा लिया तो करियर खत्म। अरे यार बैट पैड हुआ बताओ। अबे यार चौका, अभी मैंने स्लिप हटा दी, मैंने सिर्फ भूई भाई को एक एक्स्ट्रा ओवर डलवाया था, मतलब पिछला वाला एक एक्स्ट्रा ओवर के लिए स्लिप दी थी, बाकी हाँ उनका ही ओवर था लेकिन स्लिप एक एक्स्ट्रा ओवर रखी थी। हाँ आ गया स्वाद, इंग्लैंड याद आ गया, ऐसा स्विंग हो गई, अरे एक और बार बीट, वेरी नाइस। अबे यार डीके भाई ऊपर से दिखा ज़्यादा ही, चलो ठीक है कोई नहीं, क्या बोलूँ। शमी भाई 2 ओवर में 5 रन 1 विकेट, और आके पहली बॉल पे ऐसा नसीबलेस चौका। अबे चौका नहीं यार, मैंने गलत साइड से डाली, हट। ये भी बैट पैड, वाह भाई इतना फाइन खेलने जाना क्यों है, तो चलो 2 रन तो मिली गए, 1 रन तो मिली गया एनीवे। ये रन आउट हो सकता है यार, आउट है, लेट्स गो भाई। मोहम्मद नवाज जो एक और थ्रेट है, बहुत अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, तुमको याद ही होगा एशिया कप, तो वो हो गया आउट। ये देखो अबे कैच कर लो, आउट है क्या ये, बैट पे लगी तो नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ शोल्डर पे लगी, बट क्या पता ग्लव हो, नहीं है ना, ठीक है। अरे यार डाउन दी लेग, मैंने अर्शदीप से पहली बार राउंड द विकेट बॉलिंग की है यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी तक तो एंगल ये। अबे यार चौका यार, शादाब खान तो भाई कैप्टन भी थे एक टाइम पे, और ही कैन बैट बोल्ड भाई, क्या मस्त यॉर्कर थी एकदम डिपिंग, और अर्शदीप पाजी को विकटा मिल गई है। ये देखो दूसरी विकेट है कि पहली विकेट है, दूसरी विकेट है ना आई गेस भाई साहब, एक पावर प्ले ली थी और एक अभी मेरे ख्याल से, बहुत बढ़िया बॉल सेट, बैट्समैन इफ्तिकार आउट या एंकर कर रहे थे लास्ट ओवर। अरे यार शादाब भाई इतनी बाहर की बॉल को ही वहाँ खींच के पुल किया, कुर्सी वाले को लग गई, देखो नहीं दूर निकली। अरे यार सिंगल लेना शादाब भाई, शाइन कैन ऑल्सो स्ट्राइक वैसे तो, बट ठीक है तो भी। अरे और भाई एकदम परफेक्ट यॉर्कर थी कि नहीं, चलो गाइस लास्ट बॉल वर्ल्ड कप में बॉलिंग की,
लेट्स गो और सिंगल ही मिलेगा भाई, क्या बोलिंग परफॉर्मेंस था। देखो ये तो तुमको मानना पड़ेगा, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर बोलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कप भाई। सेमीफाइनल फाइनल में तो क्या ही बोलिंग की, एकदम ही खतरनाक। अरे हाँ, बाय द वे डिफिकल्टी भाई देख लेना, वही अपने जिसपे पूरा वर्ल्ड कप खेल रहे थे। मैं उसको दिखा दूँ यार, क्योंकि बोलिंग अच्छी हो रही मेरी। अब मान लो भाई AI नहीं मचा रहा है, AI वही है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन 145 का टारगेट, एक मिनट 145, एक रन ज़्यादा सेमीफाइनल से। और यहाँ पे बोलिंग कार्ड देख लो भाई, शमी की इकोनॉमी और अक्षर पटेल, चहल, सबकी इकोनॉमी बढ़िया है भाई, भूवी और अर्शदीप की भी बढ़िया ही है भाई साहब। और क्या मस्त, चहल के अलावा बाकी सबने विकेट ली, चहल की इकोनॉमी सबसे अच्छी शमी भाई के बाद। ठीक है चलो करते हैं बैटिंग। 145 चेस करने की कोशिश मेलबर्न पे, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट देखा जाए तो, क्योंकि इतनी बढ़िया बोलिंग लाइनअप, शाहीन शाह अफरीदी नाम लिया और आ गए, नसीम शाह, हैरिस श्रॉफ, भाई साहब करियर खत्म होने वाला है। चलो KL राहुल फर्स्ट बॉल, लेट्स गो। एंड वर्ल्ड कप के बाद अपन थोड़ी डिफिकल्टी वापस कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, करते हैं थोड़ी चेंज। इसमें थोड़ा सिक्स नहीं लग रहा, मैंने खुद ने भी नोटिस किया। गुड शॉट यार, पहले ही गैप निकल के दो रन तो मिल जाएंगे, तीन मिल सकते हैं। नहीं, मैं रनआउट के साथ नहीं करना चाहता शुरुआत। एक और बार बढ़िया एंगल से, वही एंगल की तरफ ही मारा है, और इस बार आउटफील्ड अच्छी है यार। बाबर आजम भाग रहे हैं और चौका निकल गया, शाहीन शाह अफरीदी को चौका मारा यहाँ पे KL राहुल ने, बहुत बढ़िया है, हीरो बन रहे हो, ध्यान रखो। अरे वापस वही चालू तेरा, फ्रंट फुट से क्यों किया भाई, पुअर होगा ये शॉट चॉइस। मैं बैक फुट दबा रहा हूँ, दबाई नहीं फिर से यार, बहुत ज़्यादा लेट होने लगा हूँ मैं। दो रन मिल गए तब भी ओवर थ्रो और रिजवान के चलते, ये लो बैक फुट से खेला तो चौका गया ना, सब आइडियल आइडियल भाई, ये तो क्या ही कर दिया, नाइस एंगल से नाइस चौका, 12 रन 5 बॉल में। ये अच्छा मैंने बोलिंग ली, स्टार्टिंग में स्विंग हो रही थी, इनकी कतई ना हो रही अभी, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब दिख रहा है। ये देखो भाई, हर तरीका ढूंढ लिया मैंने आउट होने का, ठीक है। 45 रोहित शर्मा की जर्सी, आसिफ अली, बढ़िया कैच। ये देखो बाउंस अचानक से ज़्यादा हो गई, वैसे हो ही रही थी, तेरी ही गलती थी यार। ग्लव, एक ग्लव लगाए ना ये, KL राहुल गॉन। चलो भाई किंग आते हुए, लेट्स गो। पावर प्ले में ये तो ओपनिंग ही हो गई है, नसीम शाह सामने, ओ भाई। हाँ देखो तो यहाँ लगी ये हैंडल और ग्लव के बीच में, लेकिन आवाज सिर्फ ग्लव की है, शायद खाली ग्लव पे लगी, आउट तो था। ओ भाई कोहली भाई ने स्टार्ट किया सिग्नेचर कोहली ड्राइव से दो रन लेके, रोहित शर्मा को अभी तक स्ट्राइक नहीं मिली, ऑल दो उन्होंने ओपन किया है। अरे यार रनआउट नहीं, बस चुपचाप सिंगल चलेगा। अरे पहली बॉल पे बैकफुट पंच ड्राइव जो भी बोल लो, लेकिन चौका निकाल लिया रोहित भैया ने, 400 की स्ट्राइक रेट से शुरुआत। ये तो भाई एकदम बोलते हैं गो थ्रू शॉट है सिंगल लेने के लिए, इस पे ही आउट होता, नहीं सिंगल लेने के लिए गैप में जानी चाहिए। हाँ भाई रनआउट हो जाता तो मैं रो पड़ता। दो रन मिलेंगे फिर से, इजी इजी सिंगल तो मिलेगा। हाँ सही, हमारे फील्डर लेट जाते हैं, तुम पीछे आके पकड़ लिए, चलो ठीक है कोई नहीं। भाई नहीं खेला जा रहा था भाई शाहीन को अभी तक, ये ओवर में तीन डॉट हो चुकी है और एक सिंगल आया है सिर्फ, यहाँ पे तीन रन आए, हाँ तीन ही आएंगे, चलो ठीक है। तो भी चार रन का ओवर निकला है, पांच बॉल हुई, लास्ट बॉल पे अगर बाउंड्री आ जाए तो अच्छा। वैसे अर्जेंसी नहीं है, मेरे को चिल करना है, बस जीतना है भाई कैसे भी। ये पिच पे तो यही चलेगा यार, गुड लेंथ मतलब बहुत अच्छी कनेक्ट हो रही है, एज भी लगेगी तो अभी आउट भी होंगे बात अलग है, लेकिन मस्त चौका, जस्ट खाली बैट रखना था गैप में, चौका। ये देखो, अरे यार भाई शॉट ऑफ द डे, क्या फ्री के रन हर मैच की तरह, वेरी नाइस हैरिस श्रॉफ, थैंक यू। चलो फोर वाइड दिए, ये शॉट तो नहीं छोड़ेंगे यार, फुल बॉलिंग करनी पड़ेगी इनको। अच्छा मैंने इतनी नहीं की गुड लेंथ या शॉर्ट बॉलिंग, मैं फुल बॉलिंग इसलिए करता हूँ, चाहे मैंने रन भी उस वजह ज़्यादा खाए होंगे बट ठीक है। ये देखो चलो, ये तो फील्डर के हाथ में, तो भी सिंगल ईजी हो गया ना, अभी एज लगी कि सब ईजी पीजी करियर खत्म। देखो लगी जानबूझ के, बढ़िया सिंगल जानबूझ के खेला है भाई, क्या लगी भाई, बहुत डॉट्स के बाद एक बॉल कनेक्ट हुई है, ठीक है दो मतलब तीन डॉट तो इजी हो गई पहली तीन बॉल इनकी। ये एक उधर शॉट, एक इधर शॉट, चौका दोनों जगह, शॉर्ट बॉलिंग तो भाई बहुत इजी लग रही है आज मेरे को खेलने में। ले भाई तीन रन इजी, बस 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 बस, ये लो भाई एक और सिंगल, बहुत बढ़िया 47 पे एक पाँच ओवर में, वेरी रियलिस्टिक, काफ़ी सही। चलो भाई नवाज डालेंगे सिक्स ओवर पावर प्ले का लास्ट ओवर, एंड कोहली भाई इसी सिंगल एंकर। ओए नहीं यार, अबे यार भाई स्पिनर के भी बाउंस तो होनी चाहिए ना, लेकिन ये आउट कैसे, लेकिन ऊपर से नहीं निकल जाएगी, आई एम रिस्किंग इट। वैसे तो मुझे प्लम लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या पता, अंपायर्स कॉल ही हुआ, लेकिन ऊपर से तो नहीं निकलेगी एकदम, और थी भी आई गेस ऑफ स्पिन तो बाहर। भाई यार
तो भाई प्लम था। कोई नहीं फाइव डुप्लेसिस नहीं नहीं रिव्यू छोड़ो कट करो। अबे यार मेन विकेट क्यों भाई 18 ऑफ 13 कोई नहीं। स्काय आ जाओ भाई। स्काय ने आते ही रिस्की सिंगल लिया है। कोहली भाई का कॉल था कोई दिक्कत नहीं सिंगल आ गया और स्कोर। अरे ये तो भाई अब देखो ये बॉल अच्छा वो वैसे ग्रीन थी गुड लेंथ थी ये लाल है शॉर्ट बॉल थी। छोड़ो यार कोई नहीं अब ज़्यादा मत सोचो। 5.553 गुड शॉट। दो रन मिलेंगे क्या? मिल तो सकते हैं। डाइव ओके ये तो भाई इधर तो इजी हो गए थे। 6 ओवर में 55 तो पावर प्ले वेरी रियलिस्टिक क्या? ये लो भाई सिंगल ईज थ्रू द फील्ड। ये सही बोल रहे हो ये तो नो बॉल होनी चाहिए। ओके चलो कोई नहीं सिंगल कुछ भी ये। अरे अब यहाँ फील्डर ही रख दो। हाँ यही सही है 3 बॉल में 3 तब भी आ गए हैं। अबे फ्रंट फुट से क्यों खेला? चलो कोई नहीं इतना अबे सिंगल एक और 4 बॉल 4 रन। ओ स्लोअर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पेस में। अरे रफ स्लोअर नाइस। चलो एक और सिंगल 5 रन ओवर में चलेगा आप क्या कर सकते हैं। गुड शॉट वाला सिंगल रिस्क लेना ही नहीं है भाई। स्वीप खेल सकता था मैं। 2 मिल सकते हैं वैसे इजी 2 हैं वो भी। ये तो चौका है या फिर नहीं आउटफील्ड। अरे सही है भाई एडलेड से तो बढ़िया है पानी तो नहीं भरा है। लो भाई गुड शॉट फॉर अनदर सिंगल 2 मिल सकते हैं इस बार भी। कोहली भाई की रनिंग तुमको बताइए शाइन का थ्रो है भाई बच गए। चलो एक और बढ़िया एक और सिंगल। आज थोड़ी सीरियस वीडियो बन रही क्योंकि प्रेशर है भाई फाइनल का ठीक है। ज़्यादा फनी वैसे हो रहा है मतलब बहुत नहीं हो रहा है। अबे मेरे को लगा आप खुद ही पकड़ लोगे यार नवाज भाई। नहीं 2 रन अच्छा आपको खुद ही आना पड़ेगा। वो डीप वाला फील्ड बोला मैं नहीं आ रहा 3 भाग लिया मैं उसमें कर लो तुम ये कर लो 4 भाग ले रहा हूँ 70 भाई 30 यार्ड की बाउंड्री फॉर द फर्स्ट टाइम एवर देखी तुमने देख लो यार। फिर से कोशिश की थी मैंने लेकिन कोई दिक्कत नहीं इस बार थोड़ी अच्छे से टाइम होगी। भाई प्रिसाइज शॉट पर इतना दूर क्यों जा रही है। एक और 2 रन एक और सिंगल नहीं एक और 2 रन ये ठीक है यार यही बॉलिंग कर लो। नसीम शाह आया दूसरे ओवर की पहली बॉल पे खाया है चौका। ये लो भाई पंच करके सिंगल ये भी 2 आ सकते हैं वैसे। यस इजी अनदर इजी 2 रन्स भाई ये क्या बॉलिंग। थिंग्स आर गेटिंग टू डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान। उनको विकेट निकालनी होगी दे हैव टू डू समथिंग। वाइड दे दी ना हाँ कोई नहीं स्ट्रेट में एकदम सिंगल खेला थोड़ा ऑन साइड पे मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं और 2 रन और क्या चाहिए। ये देखो भाई एक और बढ़िया शॉट इस बार एक ही मिलेगा रिस्क नहीं क्योंकि यार इनका थ्रो बहुत बढ़िया ये तो आउट होता पक्का। भाई ये क्या फील्ड है कोहली भाई के लिए तुम देख रहे हो 2 प्लेयर हैं सिर्फ बाहर पावर प्ले वाली फील्ड लगाई है तो भाई अब ठीक है अब बताते हैं फिर रुक जाओ। कोई नहीं हमारे रन तो आ गए फ्री में रन देते रिजवान भाई थैंक यू। ये देखो भाई इतनी आ गई थी तब भी बैकफुट तक बैकफुट पे आ गई इतना बाउंस है और रोहित भाई आउट हुए तो वो स्ट्रेट रह गई। ये कौन सी छोड़ो यार ये तो चौका ही निकाल दिया। अबे क्या बॉलिंग कर रहे हैं ये स्टंप टू स्टंप रख लो या तो अगर रन बढ़ रहे तो जो मैं करता हूँ वो करो मतलब एआई को सिखा रहा हूँ मैं। हाँ स्टंप टू स्टंप रखी तो छोटी बॉल डाल दी क्या क्या जॉड लोगे भाई मजेदार 2 रन 99 हो गए भाई सेल चल रही 99 में और 50 पार्टनरशिप बिटवीन स्काय एंड कोहली भाई। स्काय ने पूरे टूर्नामेंट शायद रन नहीं बनाया ना बोल रहे फाइनल मेरा दिन था। हाँ ये हुई ना ये मतलब इससे सिंगल आ सकता और इतनी भाई साहब इतनी नेगेटिव फील्ड मैंने तो भाई 15 ओवर तक स्लिप रखी थी 2 और ऐसे अंदर भी फील्डर थे जबकि सिंगल ना है डॉट कितनी निकाल रहा था मैं। और यार स्काय की विकेट वो पिछला मैं डायलॉग कट कर ठीक है कोई नहीं यार इनसाइड एज 36 ऑफ 19 अच्छा अपना काम कर गए फाइनल में चले ना लेकिन बोला तो सही था मैं। चलो हार्दिक भैया इज हियर। अरे एकदम सॉफ्ट शॉट और 2 रन मिल तो जाने चाहिए इजी है हैरिस रॉफ का थ्रो बच गए ब्रो। भाई कोहली भाई मतलब क्या मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर ठीक है एक मैच में मारा भी बहुत था बाकी मैच में एंकर भी बहुत किया है 2 रन बाकी फाइनल में भी ऐसे देखो रख के पटक के 2-2 रन लेके वो पहुंच चुके 33 पे सोच लो भाई कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग है ये। देखो जानबूझ के भी खेल दिया ना सिंगल के लिए ये हुई ना बॉल कोई ठीक ठाक वाइड वाइड एक और बढ़िया शॉट एक और सिंगल इजी
ये अरे शॉर्ट बोलिंग वहां से भी और इतनी नेगेटिव लाइन लेंथ, दो रन गैप में है क्या? अरे नहीं फिर से सिंगल ही मिलेगा, लेकिन जल्दी किस बात की? दो रन इजी खत्म, बाउंड्री डायरेक्टेड बाय नसीब बिना के, ये तो आउट है क्लियर आउट है, बहुत दूर कोहली भाई रन आउट हो गए मेरी गलती की वजह से, दो नहीं थे यहाँ पे, मुझे लगा नहीं करेगा डायरेक्टेड नहीं तो था, दो इजी, दो चौके के साथ 37 बनाया, सोचो कितना एंड तक लेके गए एकदम। अक्षर पटेल को लाएंगे, डीके हमारे 16th ओवर वाले हैं क्यों भाई, परंपरा के बिना अपनी वीडियो थोड़ी हो सकती है, रन आउट तो चाहिए कि नहीं चाहिए ना, आ गया। अबे यार ये शॉर्ट बॉल पे कोई एक तो है ना, ये यही को लगता है पता है कि कोई शॉर्ट नहीं है, मारेगा क्या ही है, तो शॉर्ट बॉलिंग ही करे जा रहे हैं, लेकिन हमने तो फिर चिल कर करके ले लिए, दो दो रन करके 29 चाहिए अभी भी, चिल कर। ये क्या शॉट था, मैंने उधर खेला था बैकफुट पे सिंगल लेने के लिए, वेरी नाइस। कोई नहीं, डीके को जल्दी आना था, अक्षर भाई कोई दिक्कत नहीं है, डीके भाई आते हुए ठीक है, वापस वही शुरू कर दिया भाई भी प्रेशर बना था नवाज ने, भाई क्या ही टाइम पे विकेट निकाला, थोड़ा जल्दी निकाले तो शायद ज़्यादा फायदा होता, लेकिन अभी भी पता नहीं यार क्या भूवी भाई को आना पड़ेगा फिनिश करने फिर से। एक और बढ़िया शॉट, और भाई वहाँ रख के भी ऑफ स्पिन डाल रहा है, ऐसा नहीं आम बॉल डाल दें या टॉप स्पिन डाल दें या दूसरा डाल दें, ये तो और फास्ट लग गई, कल आओ भाई। बढ़िया शॉट सिंगल, और ये भाई ये बॉलिंग ऐसी हो रही है, अब मैं दो चार ऐसे शॉट खेल के बाकी यही सेम बॉल पे डिफेंस करके या बीट जानबूझ के, ऐसा नहीं बोलते भाई नहीं खेली जा रही बहुत टफ है, ऐसा नहीं कर सकते यार, बॉल खराब है तो खराब है। गुड शॉट फॉर अनदर सिंगल, इस बार दो मिलेंगे क्या, और ये बॉल क्वालिटी 100 में बोल रहा कम करनी पड़ेगी, सिर्फ ऑफ साइड बॉलिंग करते हैं ये लोग, फिर तुम बोल दो तू सिर्फ ऑफ साइड खेलता यार, सिंगल लेने के चक्कर में आउट हुआ हूँ मैं, ड्राइव क्यों की मैंने, पंड्या भाई भी आउट, भूवी भाई फिनिशर, हाँ अरे इनकी मिडल होती आते ही दूसरे बैट्समैन को ये ऐसा मुंह पकड़ के ठीक है, हाँ हाँ चलो याद आया लेग साइड कुछ होता है ना, ऐसा बोलो कि मतलब मैं बॉलर को बोल रहा था लेकिन तुम मेरे को बोल रहे हो, बात अलग है। दो रन ये देखो बहुत बढ़िया, दो रन ये भी डायरेक्ट लगती तो मैं रिटायरमेंट आज ही ले लेता। चलो यॉर्कर में बस बढ़िया जानबूझ के सिंगल ले लिया है, फुल टॉस थी लेकिन नो वरीज, अभी मैं नहीं दूंगा विकेट, टेंशन ना लो, बच गया ब्रो, दो नहीं भागा कोई नहीं, भूवी भाई तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, दो रन आ जाएंगे ना, हाँ नाइस बच गया चौका, अरे नाइस कट किया यार 39 नंबर जो भी है जॉट। चलो भाई क्या बोल रहे थे तुम, सिक्स नहीं आता, सिक्स के साथ फिनिश करने की कोशिश करूंगा, अभी मैंने स्कोर्स लेवल कर दिया सिक्स मार के, आ गया ना लेकिन सिक्स तो भाई, अब भूवी भाई है लेकिन स्ट्राइक पे, कोई नहीं भूवी भाई सिक्स मार के फिनिश करेंगे, नहीं तो भी सिक्स मार के फिनिश ही मान लो उसको ही भाई। ओ भूवी भाई ने भी नियरली सिक्स, चलो वन बाउंस फोर को पांच रन मान लेते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पे इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 15 इयर्स, काश ऐसा रियल में बोलने या सुनने मिल जाए, हो जाए वैसे बहुत मुश्किल है रियल में इन दोनों टीम्स का फाइनल में आना पहली बात तो, और फाइनल इनके बीच होना और किसी एक का भी जीतना वैसे तो बहुत मुश्किल है, दोनों टक्कर की टीम है, सारी टक्कर की टीम है भाई, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स रेडी, ये मैं नहीं डालूंगा थंबनेल में ताकि स्पॉइल ना हो, बट स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं हमारे यादों के लिए भाई साहब, ये लग रही ना देखो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के आसपास, वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी के आसपास लग रही है, इससे अच्छी ट्रॉफी मेरे को इसमें कोई मिली नहीं भाई, बहुत बढ़िया यार लेट्स गो, मजेदार बहुत बढ़िया, भूवी फिनिश ऑफ इन स्टाइल, ऐसा बोला था क्या मैं, नहीं बोला चलो ठीक है, रवि शास्त्री जी की कमेंट्री डालो, हाँ कोहली हाईएस्ट रन स्कोर इस मैच में, इंडिया 1/4 विकेट्स, क्लिनिकल विन एंड क्लिनिकल वर्ल्ड कप भाई, एक भी मैच नहीं आ रहा है सिवाय एक सुपर ओवर में जो धक-धक हो रहा था, बाकी मतलब हारे तो तब भी एक भी नहीं ना, और दो मैच क्लोज हुए थे, एक सुपर ओवर और एक और मैच हुआ था जो हम बहुत टफली जीते थे, टफली ठीक है चलो देखते हैं बाहर, अभी स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो भाई ये रहे कुछ स्टैट्स, कोहली भाई यहाँ पे लास्ट के नॉकआउट्स में हाईएस्ट रन स्कोर रहे हैं 97 रन के साथ, और हार्दिक पंड्या भी हैं फोर्थ पे, ये आसिफ अली और इफ्तिकार अहमद भी हैं, और बॉलिंग में अक्षर पटेल भाई, मैन ऑफ द सीरीज किसको दे रहा हूँ मैं, तो अक्षर पटेल को दे रहा हूँ, बाकी तुम लोग बताओ। कोहली भाई 60 नॉट आउट भी हाईएस्ट उनका है इस ये नॉकआउट्स में, बेस्ट बॉलिंग अक्षर पटेल भाई 5/14, तो पूरे वर्ल्ड कप में मैं उसके भी स्टैट्स रुक जाओ एक बार दिखाता हूँ तुमको, प्लस करेंगे अपन।
उससे पहले ये देख लो, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था इंग्लैंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा के फाइनल में आया, और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में, देन इंडिया पाकिस्तान फाइनल हुआ, और ये रहा स्कोर कार्ड जहाँ पे इंडिया जीत गई कन्विंसिंगली भाई, एकदम बढ़िया मैच था, बहुत मज़ेदार, क्या ही वर्ल्ड कप था। एंड सॉरी इस बार थोड़ा जल्दी में हुआ था वर्ल्ड कप, लेकिन हम लेट हो गए थे, जर्सी वर्सीज का वेट कर रहे थे और स्क्वाड्स आने का, इस वजह से नहीं कर पाए थे, लेकिन कोई नहीं, एकदम फटाफट मैं बोला जल्दी जल्दी कर दूंगा, और मैंने कर भी दिया। बैटिंग स्टैट्स में इनके में गप्टिल, फिंच और ये लोग तो है ही नहीं, छोड़ो इनको नहीं देखना, अपने उसका देख लेते हैं, कोहली भाई ने कितने बनाए थे वो देख लेते हैं, क्योंकि वो हम उस लिस्ट में दिख रहे हैं ना, मैं बोला तो जो लिस्ट में देख रहे हैं उनके प्लस करेंगे रन्स। और इंडिया ऐसे फिनिश की थी टॉप पे, पाकिस्तान सेकंड पे, उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड थी, तो मैंने वो सब तो दिखाए, बट जो डायरेक्ट फाइनल देख रहे हैं पूरी सीरीज एक बार बिंज वॉच करना, बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ तो इसमें रोहित शर्मा के हैं 211 रन, ये देख लेते हैं रोहित शर्मा अभी इसमें कितने बनाए, और 136 पे 97 इज 133 रन होगा, मैंने इंस्टेंटली बोला शायद सही होगा। और हार्दिक पांड्या ने 133 बनाया, चलो कोहली भाई का तो बताएगा 233, और रोहित शर्मा के 211 हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इनके कितने हो रहे प्लस करके, बाकी तुम देख सकते हो। और विकेट्स में तो अक्षर पटेल जीते हैं, देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। रोहित शर्मा के कितने, 211 प्लस 20, ओके 231, चलो कोहली और रोहित दोनों ने मिला के 450 रन बनाए भाई, 233 प्लस 230, मतलब 463 के आसपास जो भी हो रहा है। और हार्दिक पांड्या है क्या, हार्दिक पांड्या ने, ओ हार्दिक पांड्या ने 52 बनाया, और उधर भी बनाए थे कुछ 100 रन कुछ, देखा तुमने जो भी, प्रॉपर ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं बोलिंग ज़्यादा करवाई नहीं, शायद एक दो ओवर ही डलवाई थी। चल यहाँ पे एक विकेट, दो विकेट, एक विकेट के साथ, और अक्षर पटेल तो भाई एक ही मैच में 5 विकेट और अगले में 6 विकेट, और शमी भाई भी 3 विकेट के साथ, एक बार विकेट भी देख लेते हैं उसके बाद सीधा बंद करते हैं। अब कौन सा ही वर्ल्ड कप जल्दी आने वाला है यार, और अभी तक रिकॉर्ड चल रहा है हमारे वर्ल्ड कप गेमिंग सीरीज का सीजन 3 आई गेस, और तीनों में हम अभी तक हारे नहीं, और दो में इंडिया पाकिस्तान फाइनल हुआ, इस वाले में और लास्ट वाले में भी, जाके देख सकते हो, मैंने ऑल दो स्पॉइल कर दिया लेकिन ये तो बताना ही था भाई। और चहल ने लिए 5 विकेट और चहल की 1 विकेट और, तो 6 विकेट हो गई, और 2 विकेट ना, हाँ ठीक है, और इनकी भाई 4 प्लस 6 10 विकेट भाई, आसपास भी नहीं है कोई, ठीक है। सो चलो गाइस देन, दैट्स इट फॉर दिस वर्ल्ड कप सीरीज, मजा आया बहुत ज्यादा। कल से नया वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मतलब रियल वाला, मैं नहीं कर रहा हूँ, रियल में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वो एंजॉय करेंगे। एंड बाय द वे अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान फ्री फॉर ऑल वॉच लोगे, एनी वन कैन ज्वाइन अपने डिस्कॉर्ड पे जनरल VC में, ऑल दो जो लिमिट है उस हिसाब से जितने जल्दी आ जाएंगे उतने ही देख पाएंगे साथ में, बाकी सब बैठ सकते हैं। एक कैप है कि 100 लोग एक साथ बोलेंगे तो भाई मैं बहरा हो जाऊंगा, इसलिए सिर्फ मेंबर्स और मॉड्स को परमिशन है बात करने की, बाकी तुम, बाकी जो लोग मेंबर और मॉड नहीं है, सब्सक्राइबर है, नॉर्मली फ्री फॉर ऑल है, तुम लोग आ सकते हो, तुम लोग बैठ के मैच देख सकते हो, मैं जो स्क्रीन शेयर करूंगा उस पे, और साथ में तुम वहाँ पे चैट में एक वो लाइव सेक्शन है ना अपना, लाइव डिस्कशन, उसमें बातें करते रहेंगे, वहाँ पे मैं पढ़ता रहूँगा, मैं रिप्लाई करता रहूँगा, तुम हमको सुन पाओगे, मैच भी सुन पाओगे, और मेंबर मॉड सबको सुन पाओगे। तो चलो गाइस देन, मजा आने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करना, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाकी अपन मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, मजेदार सीरीज। अब नहीं क्या करनी है, थोड़े सजेशन दो, मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, लेकिन तुम बताओ। चलो बाय बाय।